हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस लॉ सीरीज। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्री डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एनी क्रिमिनल केस, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। ये तीन डिफरेंट स्टेजेस हैं किसी भी क्रिमिनल केस की। इसी के थ्रू जाके क्रिमिनल केस डिसाइड होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन दिस थ्री स्टेजेस। इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है एंड ट्रायल है। तो जानने से पहले कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल के बारे में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर क्या प्रोविजन दिए गए हैं, किसे वो इन्वेस्टिगेशन मानते हैं, किसे वो इंक्वायरी मानते हैं, किसे वो ट्रायल मानते हैं, चलिए पहले इस प्रोसेस को तीनों स्टेजेस को एक एग्जाम्पल के थ्रू एक आइडिया लेते हैं कि क्या है। पहला, जब कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऑथराइज जो मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन करता है किसी भी फैक्ट में, किसी भी के बताया, कोई किसी ने आके एफआईआर लिखवाई, कंप्लेन दी कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है, क्राइम हुआ है कहीं पे, या कोई फैक्ट बताया है, फ़ोन में बताया है, जैसे भी बताया है, अगर जब वो पहला स्टेप जब वो पुलिस जाती है इन्वेस्टिगेट करती है उस फैक्ट के बारे में, ये फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी क्रिमिनल केस का, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन हमेशा एक पुलिस द्वारा की जाती है या कोई भी अदर पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया है कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, पर मजिस्ट्रेट कभी भी नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज बाय पुलिस ऑफिसर। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है, नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। इसमें मेन रीजन जो होता है एविडेंस कलेक्ट करना। तो ये हमने देख लिया कि कोई भी फैक्ट उनके पास आता है पुलिस के पास, तो फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस जो वो इन्वेस्टिगेशन अपनी स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसे फर्स्ट स्टेज माना जाता है। जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि केस जो झूठा है, कोई फैक्ट में दम नहीं है, झूठ की कंप्लेन है, एफआईआर है, तो वो क्या करते हैं कि केस को, ये फैक्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को बता देते हैं कि देखिए हमारे हिसाब से जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है उसके हिसाब से कोई केस नहीं बनता है। तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, जो प्रोसीडिंग है उसे ड्रॉप कर देता है, वो केस को खारिज कर देता है। पर अगर जो पुलिस वो व्यू देती है कि नहीं, हमारे व्यू में आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हमें ऐसा लगता है, हमें एविडेंस ऐसे मिले हैं इससे पता लगता है कि कोई ऑफेंस हुआ है, तो मजिस्ट्रेट क्या करता है कि उसे वो आगे बढ़ा देता है, उसकी वो जुडिशियल इंक्वायरी करता है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेज खत्म एंड सेकेंड स्टेज शुरू, जुडिशियल इंक्वायरी। जुडिशियल इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट या कोर्ट द्वारा की जाती है, इंटरोगेशन करने के लिए ना ही इंस्पेक्शन करने के लिए। इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं कि एक एक करके सारे फैक्ट्स देखते हैं, इंटरोगेट करते हैं कि जो केस उनके सामने बना है वो है कि नहीं। बिगेन द सेकेंड स्टेज, ये सेकेंड स्टेज है इन विच इंक्वायरी इन टू द केस बाई मजिस्ट्रेट। अगर कोई केस बनता है, अगर कोई केस नहीं बनता है तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, उसे डिस्चार्ज कर देते हैं, कहते हैं भाई कोई केस तो बना नहीं, या पूरा सब कुछ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने मुझे रिपोर्ट दी, रिपोर्ट मैंने इंक्वायरी की, इंक्वायरी में मुझे पता चला कि फैक्ट में कोई दम ही नहीं है, कोई केस बनता नहीं, तो एक्यूज़ को डिस्चार्ज कर देते हैं। और अगर इंक्वायरी करने के बाद उन्हें पता चलता है, उनको लगता है कि नहीं ऑफेंस हुआ है, कुछ दिक्कत है, तो वो उसे चार्ज फ्रेम करने के लिए आगे बढ़ा देते हैं। और यहीं पे जो है सेकंड स्टेज खत्म हो जाता है इंक्वायरी का। इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, कोर्ट द्वारा की जाती है, ना कि पुलिस ऑफिसर द्वारा की जाती है। जो इंक्वायरी है जुडिशियल इंक्वायरी भी हो सकती है, नॉन जुडिशियल इंक्वायरी भी हो सकती है। तो जब यहाँ पे खत्म, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, बॉर्डर लाइन है सेकेंड स्टेज इंक्वायरी की और थर्ड स्टेज ट्रायल की। आफ्टर ट्रायल जब चार्जेस फॉर्म हो जाते हैं तो मजिस्ट्रेट वो खुद के द्वारा केस ट्राई करता है, या तो वो कन्विक्ट कर देता है या तो वो एक्विटल कर देता है। और जो भी जहाँ भी बहुत सीरियस केसेस लगता है वो सेशन कोर्ट को फॉरवर्ड कर देता है। तो ये थ्री स्टेज समझ में आया, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है, मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करती है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है, देखता है केस बनता है कि नहीं बनता है, नहीं बनता है तो डिस्चार्ज कर देता है, बनता है तो चार्ज फ्रेम करने के लिए बना देता है। चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है वो ट्रायल होता है। ट्रायल का जो रिजल्ट होता है वो या तो कन्विक्शन होता है या एक्विटल होता है, और इंक्वायरी जहाँ खत्म होती है वहीं से ट्रायल शुरू होता है। तो ये थ्री स्टेजेज है किसी भी क्रिमिनल केस में फॉलो किए जाते हैं। अब देखते हैं कि CRPC में क्या दिया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाई ए पुलिस ऑफिसर और बाई ए एनी पर्सन अदर देन ए मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज बाई ए मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। ये प्रोसीडिंग वो प्रोसीडिंग है, इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग जिसमें कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। इन्वेस्टिगेशन का मेन मोटिव ही कलेक्शन ऑफ एविडेंस है,
डिफिनेशन ऑफ अ टर्म इज नॉट एग्जॉस्टिव, बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाती है. प्रोसीडिंग मतलब ऑल प्रोसीडिंग कुछ भी हो सकता है जो कि एविडेंस कलेक्ट करने के लिए होती है, किसी भी जो कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी केस में करते हैं. इन एन इन्वेस्टिगेशन मीन्स सर्च फॉर मटेरियल एंड फैक्ट्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर और नॉट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड. कोई ऑफेंस हुआ जो फैक्ट उन्हें बताए गए हैं उसके लिए उनके लिए वो एविडेंस ढूंढते हैं कि वो क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है, और ये सिर्फ पुलिस द्वारा किया जाता है या तो कोई पर्सन जिसमें मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया है कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए इस केस में, ना कि मजिस्ट्रेट द्वारा. मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं हो सकता है. ये डिफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है. अरेस्ट है, डिटेंशन है, किसी भी पर्सन का इन्वेस्टिगेशन के लिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है. रेड कर सकता है पुलिस, विटनेस बुला सकते हैं, उनके उनके स्टेटमेंट ले सकते हैं, उनको अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट इसके बिना तो एविडेंस कलेक्ट नहीं किए जा सकते हैं. तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में ये बताया गया है. अब इंक्वायरी क्या बताई गई है, व्हाट डू यू मीन बाई इंक्वायरी? तो इंक्वायरी 2G में दिया हुआ है CRPC के. इंक्वायरी मीन्स इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाई ए मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट. कोई भी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, जहां पे इंक्वायरी खत्म होती है ट्रायल वहीं शुरू होता है, तो उसके पहले फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले जो भी इंक्वायरी होगी उसे हम जुडिशियल इंक्वायरी मानते हैं. ये नॉन जुडिशियल भी हो सकती है, नॉन जुडिशियल भी हो सकती है. ऑल दोज प्रोसीडिंग्स बिफोर ए मजिस्ट्रेट प्रायर टू फ्रेमिंग ऑफ चार्ज विच डू नॉट रिजल्ट इन कन्विक्शन. कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, कन्विक्शन होगा तो फिर उसका ट्रायल होगा, वो आगे बढ़ेगा, चार्जेस फॉर्म करने पड़ेंगे. जिसमें कन्विक्शन नहीं होती है कैन बी टर्म एज ए इंक्वायरी. जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी केस को सेशन कोर्ट को कमिट करने से पहले जो इंक्वायरी की जाती है वो भी इस जुडिशियल इंक्वायरी के अंदर आती है. किसी भी इंसान की कस्टोडियल डेथ हो जाती है, पुलिस लॉकअप में डेथ हो जाती है, तो उसके लिए भी जो इन्वेस्टिगेशन जो इंक्वायरी सॉरी जो इंक्वायरी मजिस्ट्रेट बैठाती है उसे भी जुडिशियल इंक्वायरी के अंदर आता है. इस तरीके से कई सारे इन प्रोसीडिंग होती है, इंक्वायरी होती है जिसे हम जुडिशियल इंक्वायरी मानते हैं, पर वो ट्रायल नहीं होती है. तो कोई भी प्रोसीडिंग जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले होती है वो जुडिशियल इंक्वायरी के अंदर आती है, ना कि ट्रायल में आती है. बोथ इंक्वायरी एंड ट्रायल आर जुडिशियल प्रोसीडिंग, बट इंक्वायरी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ए ट्रायल. इनफैक्ट इंक्वायरी स्टॉप्स वेयर द ट्रायल बिगिन. इंक्वायरी वहां रुक जाती है जहां ट्रायल शुरू होता है. दोनों का बॉर्डर लाइन है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. इंक्वायरी जो है वो सेकेंड स्टेज है, ट्रायल जो है थर्ड स्टेज है, लास्ट स्टेज है. बोथ इंक्वायरी एंड ट्रायल जुडिशियल प्रोसीडिंग. और एक बात बता दूं, ट्रायल जो है इस कोड में डिफाइन नहीं किया गया है. तो जो थर्ड स्टेज है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से, वहां से ट्रायल शुरू हो जाता है. ट्रायल का मेन रिजल्ट होता है कन्विक्शन एक्विटल. तो ये जो प्रोविजन है वो हमें दी गई है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में. इन्वेस्टिगेशन के बारे में 2H में दिया हुआ, इंक्वायरी के बारे में 2G में, ट्रायल तो वो डिफाइन किए नहीं है. तो ये समझ के हमारे तीन डिफरेंट स्टेज क्या है, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल. आगे चलते हैं दोनों के बीच में. इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी के बीच में जानना बहुत जरूरी है दोनों में क्या डिफरेंस है. कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है, और इंक्वायरी एंड ट्रायल के बीच में क्या डिफरेंस है जो आगे वाली स्लाइड में आपको बताऊंगी. तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी में क्या डिफरेंस है. एंड इन्वेस्टिगेशन इज मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय अ सम पर्सन ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट. अभी मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ पुलिस द्वारा ही की जाती है, इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते. इंक्वायरी जो है वो सिर्फ मजिस्ट्रेट और कोर्ट द्वारा की जाती है. ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द केस. उनका मैंने बताया कि यू नो इन्वेस्टिगेशन उसका मेन मोटिव ही होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जिससे वो केस बना सके, जिससे वो प्रोसिक्यूशन का केस बना सके. उनका मेन मोटिव होता है कि वो सर्च ऑफ दोज मटेरियल एंड फैक्ट जिससे हमें पता चल पाए कोई क्राइम हुआ है कि नहीं. तो एविडेंस इन्वेस्टिगेशन का मेन एम है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, पर इंक्वायरी का नहीं है. इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट क्या है कि जो फैक्ट जो एविडेंस कलेक्ट करके पुलिस देती है मजिस्ट्रेट को, वो उसकी ट्रुथ पता कर सके, वो सही है कि गलत है, कोई केस बनता भी है कि नहीं बनता है. तो ये इंक्वायरी टू डिटरमाइन द ट्रूथ ऑफ फॉल्सिटी ऑफ एनी सर्टेन फैक्ट विद द व्यू ऑफ टेकिंग फर्दर एक्शन. और अगर कोई केस बनता है तो उस पर क्या आगे एक्शन लिया जाए. तो ट्रूथ सही है गलत है, ट्रूथफुलनेस, रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें हम इंक्वायरी में पता करते हैं. उनका मेन एम ये होता है, और इन्वेस्टिगेशन का मेन एम होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस. इन्वेस्टिगेशन इज अटेम्प्ट टू अनकवर द अननोन फैक्ट. यस, हमें कुछ पता नहीं होता है, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, इंटेरोगेशन नहीं, इंस्पेक्शन करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है. अब किसी ने कहा कि मर्डर, उसने किसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि कहीं पे उन्होंने
कॉग्निजेबल ऑफेंस देखा, नॉन बेलेबल ऑफेंस देखा है, मर्डर देखा है, तो उसके बाद बस उनके पास, पुलिस के पास यही इन्फॉर्मेशन होती है कि मर्डर देखा है, यहाँ पे ये मिला है या कोई बॉडी मिली है। अब उसके बाद जब वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करना शुरू करते हैं, जैसे कि मोटिव क्या था एविडेंस का, रीजन क्या था, वेपन क्या था, टाइम क्या था, किस वजह से मर्डर हुआ, किसकी वाइफ का मर्डर हुआ, किसका अफेयर चल रहा था, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, क्या था, ये सारे फैक्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन ही अनकवर करते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं। इंक्वायरी बिगेन विद इंटेरोगेशन रादर देन इंस्पेक्शन। इंक्वायरी में कभी भी सर्च नहीं करते, हम इंटेरोगेशन करते हैं, जो पहले से हमें फैक्ट दे दी गए, अब उस पे हम जांच करते हैं कि वो फैक्ट सही है कि नहीं है, गलत है, वो इंटेरोगेशन होता है। जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, एंड इंक्वायरी में भी जुडिशियल और नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो इन्वेस्टिगेशन है जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती। जुडिशियल प्रोसीडिंग वो प्रोसीडिंग होती है जिसमें हम जिसमें एविडेंस हम लीगली ओथ पे लेते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन को इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। पर इंक्वायरी जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, मजिस्ट्रेट एविडेंस ले भी सकता है ओथ पे, नहीं भी ले सकता है। तो आधे समझ में आ गया, इन्वेस्टिगेशन इज नॉट जुडिशियल प्रोसीडिंग, इंक्वायरी में भी जुडिशियल प्रोसीडिंग और नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट स्टेज है, इंक्वायरी सेकेंड स्टेज है। तो चलिए आगे चलते हैं। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हमने देख लिया, अब हम देखते हैं इंक्वायरी एंड ट्रायल में क्या डिफरेंस है। इंक्वायरी थर्ड स्टेज है और इंक्वायरी सेकेंड स्टेज है और ट्रायल थर्ड स्टेज है। इंक्वायरी ऑल दोज प्रोसीडिंग बिफोर ए मजिस्ट्रेट प्रायर टू द फ्रेमिंग ऑफ ए चार्ज विच डू नॉट रिजल्ट इन कन्विक्शन कैन बी टर्म एज इंक्वायरी। अभी बताया था इससे पहले आपको कि इंक्वायरी वो सारी प्रोसीडिंग है जो एक मजिस्ट्रेट करता है बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, और जिसका रिजल्ट कन्विक्शन कभी भी नहीं आता, उसे हम इंक्वायरी कहते हैं। इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस नेवर एंड इन कन्विक्शन और एक्विटल, एट द मोस्ट इट मे रिजल्ट इन डिस्चार्ज और कमिटमेंट ऑफ केस फॉर ट्रायल बाय ए मजिस्ट्रेट और सेशन जज। इंक्वायरी में कभी भी रिजल्ट, कभी भी कन्विक्शन एंड एक्विटल नहीं होगा, वो ट्रायल का एम है, वो ट्रायल का रिजल्ट होता है। मैक्स टू मैक्स किसी भी जुडिशियल इंक्वायरी में या तो डिस्चार्ज कर देते हैं एक्यूज पर्सन को, या तो कमिट कर देते हैं सेशन कोर्ट क्या अदर मजिस्ट्रेट को कि आप ट्राई करिए इस केस को, वो कन्विक्शन नहीं कर सकते, इंक्वायरी नहीं कर सकते। इंक्वायरी के दौरान आप उस प्रोसीडिंग में आप कभी भी कन्विक्शन नहीं कर सकते हैं, पर ट्रायल गेट में गया। ऑन द अदर हैंड ट्रायल इज द प्रोसीडिंग विच इन्वॉल्व एग्जामिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज बाय ए जुडिशियल ट्रिब्यूनल एंड विच एंड इन कन्विक्शन और एक्विटल ऑफ एक्यूज। ट्रायल वो प्रोसीजर जहाँ हम एग्जामिनेशन करते हैं, चीफ इन एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, री एग्जामिनेशन होता है, लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कोरोबोरेशन सब कुछ होता है वहाँ पे, और उसका रिजल्ट जो है किसी भी जुडिशियल ट्रिब्यूनल द्वारा, और उसका रिजल्ट जो है या तो हम मुजरिम को छोड़ देते हैं या तो सजा देते हैं, कन्विक्शन होती है या तो एक्विटल होता है, ये मेन एम है ट्रायल का। An inquiry does not necessarily mean an inquiry into an offence because it may relate to matter which are not offence. इंक्वायरी जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ऑफेंस के बारे में इंक्वायरी हो, किसी और मैटर के बारे में भी इंक्वायरी कर सकता है मजिस्ट्रेट, क्योंकि मजिस्ट्रेट एक पूरे जुरिडिक्शन में उसका राइट होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ों में भी इंक्वायरी लगा सकते हैं, जैसे कि इंक्वायरी मेड इन डिस्प्यूट रिलेटिव मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी विद रिगार्ड टू पोजिशन, पब्लिक न्यूसेंस 144 फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन 125 सेक्शन 125। तो इन सब केसेस में जुडिशियल इंक्वायरी बैठाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि ऑफेंस के केस में, पर ट्रायल हमेशा एक ऑफेंस का ही होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों के लिए नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों के लिए नहीं होता है, ट्रायल हमेशा और हमेशा ऑफेंस के होता है। जब चार्ज फॉर्म किए जाते हैं, जब चार्ज हम फॉर्म कर लेते हैं, जब कोर्ट फ्रेम कर लेती है चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज, तो वहाँ पे ट्रायल होता है, वहीं से ट्रायल शुरू होता है, और उससे पहले इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोर्ट बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट। यस, इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी, किसी भी चीज़ में इंक्वायरी कर रहे हैं पर वो ट्रायल नहीं होनी चाहिए, कोई भी का जो ट्रायल के दौरान हो उसे हम इंक्वायरी नहीं मानते, उसके सिवा जो भी इंक्वायरी है वो ट्रायल होती है। बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले जो भी इंक्वायरी हो रही है किसी प्रोसीडिंग में, वो सब की सब इंक्वायरी आती है। ट्रायल इज एग्जामिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज बाय ए ट्रिब्यूनल विच हैज जुरिडिक्शन ओवर इट। ट्रायल क्या है कि वही बताया मैंने अभी आपको ऊपर की एग्जामिनेशन है, डिटर्मिनेशन है किसी भी फैक्ट का, जो एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल करती है, जो उसके ऊपर उसको जिस जुडिशन के ऊपर उसको राइट होता है, उस कोर्ट को मजिस्ट्रेट को राइट होता है उस जुडिशन के ऊपर, उसके जुरिडिक्शन में जो भी चीज़ें आती हैं उनको एग्जामिनेशन डिटर्मिनेशन करती है उस चीज़ का।
इंक्वायरी इज द सेकंड स्टेज इन द क्रिमिनल केस, ट्रायल इज द थर्ड स्टेज इन द क्रिमिनल केस. इंक्वायरी सेकंड स्टेज है जहां पे इंक्वायरी खत्म होती है, ट्रायल वहीं से शुरू होता है. फ्रेमिंग ऑफ चार्ज दोनों के बीच में एक बॉर्डर लाइन है. उससे पहले की चीजें हमेशा इंक्वायरी होती है, जुडिशियल इंक्वायरी होती है, नॉन जुडिशियल इंक्वायरी होती है. ट्रायल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद ट्रायल होता है. तो ये आपको समझ में आ गया कि तीन स्टेजेस हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. तीनों ही फॉलो होने पड़ते हैं, अदरवाइज वो जो केस होता है, जो इनकी प्रोसीडिंग होती है, वैलिड नहीं मानी जाती है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम को जानने के लिए हमारी कंट्री के, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमेशा एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, इंक्वायरी एंड ट्रायल, ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन, क्या डिफरेंस है, क्या स्टेजेस हैं. तो ये जानना बहुत जरूरी है, हमारे लिए बेस है ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का.